ओके, ध्यान इधर, बस बातें बंद, फोन बंद। यूनिट टू अपन कर रहे थे, जिसमें अपन बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज के बारे में पढ़ रहे थे, जहां हमने कल टैरिफ पॉलिसीज देखी थी, करेक्ट, कि किस तरह से टैरिफ्स का यूज करके, टैक्सेस का यूज करके, ड्यूटीज का यूज करके गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है किस चीज के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। जब भी उसे इंपोर्ट को कंट्रोल करना होता है या एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना होता है, एक डायरेक्ट मेजर है उसके पास वो चीज करने का, वो क्या है, टैरिफ्स। तो कल हमने बहुत सारे तरह के टैरिफ पढ़े, कुछ नाम बताना जरा एक आधा। वेरी गुड, स्पेसिफिक टैरिफ हमने पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि यूनिट वाइज क्वांटिटी वाइज क्या लगा दिया जाता है, टैरिफ लगा दिया जाता है। फिर उसके ऑपोजिट अपन एक एड वैलोरम देखा था, जहां पे क्वांटिटी वाइज फिक्स नहीं होता, लेकिन वैल्यू वाइज एक परसेंटेज फिक्स कर दिया जाता है कि इतना परसेंटेज क्या देना पड़ेगा, टैरिफ देना पड़ेगा। और क्या देखा, मिक्स टैरिफ देखा, और बोलो नाम बोलते जाओ, क्या क्या टेक्निकल के अंदर बोलो, और मोस्ट फेवर्ड एमएफएन, एमएफएन में क्या देखा हमने, जल्दी से बताओ। हाँ कि भाई डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है, बेसिकली वो एक दूसरे के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन है। इसका मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर अमाउंट या पर्टिकुलर रेट सेट कर दी जाती है, वो प्रॉमिस किया जाता है कि यार अपन एक दूसरे से ये ही रेट क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल वो फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन अगर उनको उससे कम लेवल पर क्या करना है, ट्रेड करना है एक दूसरे के साथ, तो वो फिर वो एक दूसरे के साथ कौन से अग्रीमेंट में जा सकते हैं, प्रेफरेंशियल अग्रीमेंट में जा सकते हैं। फिर जो रेट्स चार्ज होगी, जो टैक्सेस की टैरिफ चार्ज होंगे, वो क्या बोले जाएंगे, प्रेफरेंशियल टैरिफ। ये कल अपन ने इतना देख लिया था। उसके बाद बाउंड टैरिफ देख लिया था क्या, बाउंड टैरिफ भी हमने देख लिया था। आज क्या देखना है फिर बोलो, अप्लाइड टैरिफ। देखो मैं, अप्लाइड टैरिफ कुछ भी नहीं है, अप्लाइड टैरिफ का मतलब क्या है, अभी जस्ट आप पढ़ के आए हो कि एमएफएन रेट इज द हाईएस्ट रेट, क्लियर। ये हाईएस्ट रेट अपन ने फिक्स कर ली कि जो अपन एक दूसरे से क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में क्या हर जो भी डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, वो एक दूसरे से वो हाईएस्ट वाली करता है क्या चार्ज, वो तो हाईएस्ट सेट किया है ना, उससे कम वो कुछ भी बेसिकली करते हैं। अप्लाइड रेट का मतलब है द एक्चुअल रेट विच इज चार्ज ऑन इम्पोर्ट्स ऑन अ एमएफएन बेसिस। एमएफएन कंट्रीज से एमएफएन बेसिस पे एक्चुअली जो रेट अप्लाई किया जाता है, एमएफएन के नीचे होगा डेफिनेटली, वो रेट क्या कहलाता है, अप्लाइड रेट कहलाता है। अ डब्ल्यूटीओ मेंबर कैन हैव अप्लाइड टैरिफ फॉर अ प्रोडक्ट दैट डिफर्स फ्रॉम बाउंड टैरिफ फॉर दैट प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज अप्लाइड लेवल इज नॉट हायर देन द बाउंड लेवल। बाउंड लेवल पता है यार, अपन ने एक अमाउंट सेट कर दिया कि भाई ये अपन ने इसको यहां तक बाउंड कर दिया, तो जो अप्लाइड होगा वो उससे नीचे नीचे ही रहेगा। उसके बाद है एस्केलेटेड। देखो एस्केलेटेड पढ़ो क्या लिखा हुआ है। Escalated tariff structure refers to the system wherein the normal tariff rates on import on manufactured goods are higher than the nominal tariff rates on the intermediate inputs and raw material. क्या बोल रहे हैं बताओ, ये दो चीजों की बात हो रही है, एक होता है final product और एक होता है intermediate product। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा system जहां पे nominal tariff rates on import of manufactured goods are higher than nominal rates on the intermediate raw and raw material. That the tariff on a product increases as the product moves through the value add chain. देखो सीधी सी बात है, इसका क्या मतलब है, मानो कि कोई एक इलेक्ट्रिकल कोई सामान है, वो चार पांच कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है, चार पांच कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, तुम्हें पता है ना, रॉ मटेरियल से पहले रॉ मटेरियल होगा, उसके बाद वो इंटरमीडिएट गुड्स उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, फिर क्या निकल कर आएगा, फाइनल गुड्स, फिनिश गुड्स निकल कर आएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी गवर्नमेंट बहुत चालाकी से काम लेती है। वो क्या करती है कि भाई अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को क्या करते हो, इम्पोर्ट करते हो, उस पर जो रेट चार्ज होगी वो किससे कम होगी, फाइनल गुड्स को इम्पोर्ट करने से। उससे पता है क्या होता है, बताओ क्यों ऐसा किया जाता है, ये एस्केलेटेड टैरिफ है कि यार अगर एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये दो चीजों से मिलके बना है, ए प्लस बी, तो ए पर और बी पर जो रेट चार्ज किया जाएगा, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ए बी नाम है इसका, ठीक है, तो वो किससे कम होगा, ए बी से कम होगा। इसका मतलब अगर आप ए बी पूरा का पूरा प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, उस पर जो टैरिफ रेट्स होंगे वो क्या होंगे, हायर होंगे। अगर आप उसके पार्ट्स इंपोर्ट करते हो तो फिर उसके जो रेट्स होंगे वो क्या होंगे, क्यों एस्केलेटेड टैरिफ हो गया ना, ये एस्केलेट कर दिया हमने टैरिफ को कि यार अगर इसको इंपोर्ट करने से 10% चार्ज हो रहा है, इसको इंपोर्ट करने से 10% हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा ए बी एक साथ इंपोर्ट करोगे तो इस पे 20 नहीं होगा, 25 होगा। ये एस्केलेटेड टैरिफ है। हाँ, व्हाई,
ताकि एटलीस्ट कोई तो पोर्शन, कोई तो चीज, कोई तो लेवल या कोई तो एक्टिविटी इससे रिलेटेड कहाँ हो हमारे डोमेस्टिकली होती रहे। यहाँ पर अगर ये ए और बी को मंगाएंगे तो ए और बी का असेंबली तो उसको यहीं पे ही करना पड़ेगा, वो तो फिर एटलीस्ट वहां से होकर नहीं आएगा। दिस टाइप ऑफ टैरिफ इज डिस्क्रिमिनेटरी एज इट प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंपोर्टिंग कंट्रीज एंड डैम्पन्स द अटेम्प्ट ऑफ डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। कहीं ना कहीं हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के टैरिफ्स लगाए जाते हैं। फिर है प्रोहिबिटिव टैरिफ। अरे यार प्रोहिबिटिव का तो मतलब ही क्या होता है, प्रोहिबिट कर दिया, बंद कर दिया। अ प्रोहिबिट टैरिफ इज वन दैट सेट सो हाई दैट नो इंपोर्ट्स कैन एंटर। इतना हाई टैरिफ लगा दो कि साफ पता चल रहा है कि इतने हाई टैरिफ पे इंपोर्ट सामने वाला आदमी करेगा ही नहीं, प्रोहिबिटिव टैरिफ हो गया। फिर है सब्सिडी। ये उल्टा है, ओके ये एक्चुअली में नेगेटिव टैरिफ होता है। सब्सिडी का मतलब क्या है, आपको इंपोर्ट महंगा होगा कि सस्ता होगा? अरे सस्ता होगा ना यार, तो ये तो नेगेटिव टैरिफ हो गया। देखो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट सब्सिडी इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन सम कंट्री एंड इंपोर्ट सब्सिडी इज सिंपली अ पेमेंट पर यूनिट और अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू फॉर द इंपोर्टेशन ऑफ अ गुड। आप जब किसी भी गुड को इंपोर्ट करोगे तो आपको टैक्सेस देने नहीं पड़ेंगे बल्कि आपको पैसा दिया जाएगा। जो इंपोर्टर है ना उसको टैक्सेस पे नहीं करने, टैरिफ पे नहीं करने, बल्कि उसको खुद को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा पर यूनिट, पर वैल्यू या जो भी जिस तरह से भी सरकार डिसाइड करती है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, नेगेटिव टैरिफ है ना, नेगेटिव टैरिफ। भाई कोई गिने चुने, कोई बहुत ही ज्यादा रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर केस के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसपे नेगेटिव टैरिफ चार्ज होगा। गवर्नमेंट चाहती होगी कि इसको क्या किया जाए, इंपोर्ट किया जाए। अरे गवर्नमेंट पागल थोड़ी ना, अगर वो किसी पर भी नेगेटिव टैरिफ लगा रही है इसका मतलब वो दिल से चाहती है कि इसको क्या किया जाए, इंपोर्ट किया जाए। कोई तो रीजन होगा उनके पास उस चीज को इंपोर्ट करवाने का या उसको एंकरेज करने का, तो उस पर क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। यार डोमेस्टिकली हमें प्रोड्यूस नहीं करना, आप ये क्या करो, इंपोर्ट ही करो। तो ये नेगेटिव टैरिफ भी बोल सकते हो, सब्सिडी भी बोल सकते हो। उसके बाद टैरिफ्स एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिसऑर्डर। देखो ये क्या होता है, एक मिनट। Sometimes countries engage in unfair foreign trade practices which are trade distorting in nature and adverse to the interest of the domestic firm. The affected importing country upon confirmation of such distortion respond quickly by the measures in the form of tariff responses to offset the distortion. These policies are often referred to as trigger price mechanism. The following section relate to such tariff responses to distortions related to foreign dumping and export. सब्सिडीज एक्चुअली ये कोई टैरिफ नहीं है, जो इसका टैरिफ है ना वो तो नीचे दिए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है, ए बातें नहीं, कॉन्सेप्ट बताया गया है टैरिफ एज अ रिस्पांस टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। देखो क्या होता है, कभी कभी जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना वो इतनी ज्यादा डेवलप्ड होती है या फिर उनके हाथ में इतना पावर होता है कि वो डेवलपिंग कंट्री को बर्बाद करने की भी ताकत रखती है। तो देखो ट्रेड किया जा रहा है तो ट्रेड हमेशा कैसे होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, अनफेयर ट्रेड नहीं होना चाहिए। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इसके पीछे आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, सामने वाले को बर्बाद करने का इंटेंशन नहीं होना चाहिए। भाई कि अगर मेरी कॉस्टिंग 100 रुपए आ रही है, ठीक है, किसकी, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, मानो यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है, अपन इंपोर्ट कर रहे हैं उससे, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है अमेरिका में, 100 रुपए, फिर भी बंदा मुझे 80 में चीज देने के लिए तैयार है ताकि मेरे यहां पर वो चीज डोमेस्टिकली नहीं बन पाए और बने तो भी कोई खरीद ना पाए। खाली सामने वाले को बर्बाद करने का मोटिव है, खुद को लॉस हो जाए, खुद को नुकसान हो। तो अगर गलती से भी गवर्नमेंट को इस चीज की भनक लग जाती है, इसको ट्रेड डिस्टॉर्शंस बोलते हैं, ट्रेड को खराब करने की कोशिश करी जा रही है। अगर ऐसे अनफेयर प्लेस टाइप की चीजें अगर गवर्नमेंट को भनक लगती है तो फिर वो बहुत सारी पॉलिसीज के साथ आता है जिसको बोला जाता है टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस, जिसमें से पहली रिस्पॉन्स है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो नीचे दिया हुआ है ना ये एक्चुअली में रिस्पॉन्सेज दिए हुए कि किस तरह से ऐसे षड्यंत्रों को क्या किया जाता है, बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। जैसे पहली ड्यूटी यहां पर दे रखी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग होता क्या है, देखो, एन एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ दैट अ डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन इंपोर्ट दैट इट बिलीव्स आर प्राइस्ड लो बिलो देन द फेयर मार्केट वैल्यू। यार तुम इंपोर्ट भी कर रहे हो या सामने एक्सपोर्टिंग वाली कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है तो तुम एवरेज प्राइस लेवल से कम पर वो माल नहीं बेच सकते। माना कि यार मुझे तो एक तरह से देखा जाए तो इंपोर्टर को तो क्या हो रहा है, फायदा ही हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। हर कहीं पर भी जाओ दुनिया में 100 से कम वो चीज मिल नहीं रही, ये बंदा मुझे 80 में देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पीछे उसका इंटेंशन ठीक नहीं। गवर्नमेंट फिर ये चीज को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगाई जाती है, जब गवर्नमेंट को लगता है कि जो फॉरेन इंपोर्ट्स है ना वो फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम में इंपोर्ट करे जा रहे हैं।
डंपिंग ऑकर्स व्हेन मैन्युफैक्चरर सेल गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री बिलो द सेल प्राइस इन देयर डोमेस्टिक मार्केट. सेम टू सेम वही बात है ना, क्लियर. अगले को खुद को 100 रुपए का वो चीज पड़ रहा है, या अमेरिका में वो तो चीज 100 रुपए की बेच रहा है खुद अपनी डोमेस्टिक कंट्री में, और इंडिया में वो चीज 80 रुपए की बेच रहा है. तो यार तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन किधर गया, तुम्हारी ड्यूटीज किधर गई. तुम इंडिया में तो 80 की बेच रहे हो, और अमेरिका में खुद जहां मैन्युफैक्चर कर रहे हो वहां तुम 100 की बेच रहे हो. इसका मतलब इसमें गड़बड़ है. ओके, उसके बाद डंपिंग में भी परसिस्टेंट सीजनल साइक्लिकल, मतलब हो सकता है हमेशा ही वो ऐसा करता हो या कभी कभी सीजनल भी होता है. डंपिंग में ऑल्सो भी रिजॉर्टेड टू द एज अ प्रीडेटरी प्राइसिंग प्रैक्टिस टू ड्राइव आउट एस्टैब्लिश डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द मार्केट एंड टू एस्टैब्लिश मोनोपोली पोजिशन. सीधी सी बात है, कोई भी आदमी ऐसा काम क्यों करेगा, ऐसा पर्सनल दुश्मनी थोड़ी ना होती है इतनी, हाँ क्यों करेगा. जब भी किसी को अपनी मोनोपोली खोने नहीं होती ना, या सामने वाले को टिकने नहीं देना होता, यार उसको पता है कि ना इंडिया में एक ऐसा मैन्युफैक्चरर आया है सेम टू सेम मेरे वाले गुड्स का जो इस चीज को 95 रुपीज में बनाने की ताकत रखता है. अमेरिका में बैठ के पहले मैं ही था जो कितने में बनाने की ताकत रखता था, 100 में, 80 में नहीं, 80 में तो बन ही नहीं सकता, कितने में, 100 में. अब वो 95 में बना रहा है, हालांकि बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं उसको टिकने नहीं देना चाहता. तो मैं बोलूंगी साल भर में नुकसान खा लूंगी, पर इसको मार्केट से निकालो. यार वो नया नया आदमी है, उसको 95 पर ही निकाल दूंगी अगर, तो वो फिर वापस आने की हिम्मत ही नहीं करेगा जो नया नया जो मैन्युफैक्चरर है इंडिया में. तो उसको यहां से निकालो. इस मोटिव के साथ कभी कभी ऐसे काम भी करे जाते हैं. सब बहुत होता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पर है, मतलब जैसे मानो कि जो रिलायंस भी है और भी है, बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज है, बहुत ऐसी कंपनीज है जो ना कॉम्पिटिटर को आने ही नहीं देती है, मार्केट में ही नहीं आने देती है. ये तो पहले खरीद लो और सामने वाला नहीं बिक रहा पैसे से, बोला नहीं मैं तो करूंगा, छोटा ही काम करूंगा, काम तो करूंगा, और वो उसको दिख रहा है कि ये मेरा बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, या फिर ये मुझे थ्रेटन कर रहा है इसका बिजनेस. तो क्या कर दो, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर दो. प्रीडेटरी का मतलब क्या होता है, पहले अपनी प्राइसेस इतनी लो कर दो, इतनी लो कर दो कि सामने वाला उतनी लो में तो कभी भी नहीं बना सकेगा. ठीक है, डंपिंग इज ऑब्वियसली अनफेयर, constitute a threat to the domestic producer, and therefore when dumping is found, anti-dumping measures may be initiated as a safeguard, instrumentally imposing additional import duty so as to offset the foreign firm unfair practices advantage. So obviously बात है यार, अगर वो आदमी 80 रुपए में चीज भेज रहा है और कम से कम वो चीज 100 की तो होनी ही चाहिए, तो ना सीधी सी बात है बॉर्डर पर गवर्नमेंट क्या कर देगी, 20 रुपए का टैक्स लगा देगी. अब मना कर दो, तुम तो 80 में बेच रहे थे, पर मैंने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि तुम्हारे इंटेंशन ठीक नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगी, 20 रुपए का टैरिफ लगा दूंगी. चलो अब बराबर हो गया फिर से, तुम चाहे 80 में बेचो तो मैं 20 का लगा दूंगी, तुम 70 में बेचोगे तो मैं 30 का लगा दूंगी, तुम 60 में बेचोगे तो मैं 40 का लगा दूंगी. ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज बोला जाता है. क्लियर है, कोई दिक्कत है. उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी आपकी आती है काउंटरवेलिंग ड्यूटीज. ऑलमोस्ट जैसे आपको सेम से ही लगेगा, लेकिन इंटेंशन अलग है. देखो दो तरह का इंटेंशन होता है, ठीक है. पहला वाला एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला तो मैंने बता दिया कि सामने वाले इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर वो मैन्युफैक्चरर को टिकने नहीं देना चाहता, इसलिए क्या डाल रहा है, डंपिंग कर रहा है. ओके, डंप कर दिया मैंने, मतलब रद्दी के भाव बेच रहा है उस चीज को एक तरह से 80 रुपए में. ओके, तो उस पर ड्यूटी लगा दी, उसको बराबर कर दिया. एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, इसमें ना वो सामने वाले को बर्बाद नहीं कर रहा, लेकिन उसका खुद का फायदा है. कभी कभी कुछ कंट्रीज में, मानो ये सेम एग्जाम्पल अपन लेते हैं, वो जो यूएसए वाला बंदा था ना जो मैन्युफैक्चर कर रहा था, तो यूएसए की सरकार ने बोला कि अगर तुम फलाना फलाना रेट में मैन्युफैक्चर करते हो, या फिर सॉरी अगर तुम 200 क्विंटल या 200 टन ये चीज एक्सपोर्ट करते हो तो तुम हमको कंसेशन, हम तुमको देंगे. क्या देंगे, अब उसको लालच है, उसको लालच है. सीधी सी बात है कि यार अगर मैं इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे मेरी गवर्नमेंट से क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा, या बेनिफिट मिलेगा, या पैसा मिलेगा. तो वो किसी भी हालत में क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा. कि यार मेरा वो क्वांटिटी मैच होना चाहिए एक बार खाली, कि यार फटाफट क्या दिखे कि मैंने 200 क्विंटल या 200 टन जो मेरे को क्राइटेरिया दे रखा है ना यूएसए की सरकार ने, उतना मैं क्या कर दूं, एक्सपोर्ट कर दूं. अब चाहे कम पैसे में ही मुझे एक बार एक्सपोर्ट करना पड़े. और एक्चुअली दूसरी चीज भी हो सकती है, क्या हो सकता है पता है, अंडर बिलिंग हो सकती है, ओवर बिलिंग हो सकती है, फालतू की चीजें हो सकती है. खाली उसको क्या दिखाना है कि जितना सरकार ने तय किया है उतना मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, ताकि मुझे वहां से क्या मिल जाए, कंसेशन मिल जाए. अरे लेकिन वो अगर इंडिया की गवर्नमेंट को उस चीज की भनक लग गई तो उस पर क्या लगा देती है, वो बॉर्डर पे काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देती है. उस चीज को काउंटर करने के लिए क्या लगा दी जाती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा दी जाती है. फिर से उसको उसी रेट पर लेके आया जाता है जो क्या है, फेयर प्राइसेस है.
उस पर उसको ले आया जाता है। सेम टू सेम चीज है, खाली क्या है, इंटेंशन का डिफरेंस है। एंटी डंपिंग में इंटेंशन दूसरा था, काउंटरवेलिंग में इंटेंशन दूसरा है। अरे ऐसा कैसा कर सकते हैं, कोई एक एक्सपोर्टर के चक्कर में मैं उस चीज का इंपोर्ट ही बंद कर दूं? आप किसी को भी चैलेंज थोड़ी ना कर सकते हो। यू कैन नॉट से नो टू एनीवन। इज अ फ्री ट्रेड सिस्टम, वर्ल्ड के अंदर फ्री ट्रेड सिस्टम है, फेयर प्लेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। बोलेगा तेरे का तेरा क्या जा रहा है, मैं कम में बेच रहा हूँ, तुम्हारा क्या जा रहा है? हाँ सीधी सी बात है, अपन डायरेक्टली किसी को भी नो नहीं बोल सकते, वो गवर्नमेंट है, उसको बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, उसको उस कंट्री के साथ ट्रेडिंग खत्म करने की अपनी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आप किसी को बोल दो हम तेरे से सामान, तू ऐसी हरकत करेगा तेरे से सामान ही नहीं खरीदूंगा। हाँ ऐसे बच्चों वाली हरकत थोड़ी कर सकते हैं अपन। ओके अब मैं बोलूँ अरे तुम इतनी बातें करते हो तुम क्लास से बाहर ही जाओ, ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, यू कैन नॉट से डायरेक्टली नो टू एनीवन। आप नो नहीं बोल सकते किसी को, मतलब आप अपनी पॉलिसीज लाओ, आप उसके अगेंस्ट टैरिफ्स लगाओ, आप उसके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शंस लेकर आओ, रूल्स लेकर आओ, पर ऐसे थोड़ी ना तेरे साथ काम ही नहीं करूंगा, चल ऐसा नहीं हो सकता, वो चीज पॉसिबल नहीं है। ओके देखो, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आर द टैरिफ दैट एम टू ऑफसेट द आर्टिफिशियली लो प्राइसेस चार्ज्ड बाय द एक्सपोर्टर हु एंजॉय एक्सपोर्ट सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इन देयर होम कंट्री। यूएसए की गवर्नमेंट उसको कुछ एक्सपोर्ट कंसेशन देती है, इसके कारण वो एक्सपोर्ट कर रहा है कम प्राइसेस के अंदर। If a foreign country does not have a comparative advantage in a particular good and a government subsidy allows the foreign firm to an exporter of the product, then the subsidy generates a distortion from the free trade allocation of resources. In such case, CVD का मतलब है countervailing duty, is charged in an importing country to negate the advantage that exporters get from the subsidies to ensure fair market-oriented pricing of the imported product and thereby protecting domestic industries and फर्म। देखो सीधी सी बात है, अभी जस्ट अपन ने लास्ट यूनिट के अंदर पढ़ा कंपैरेटिव एडवांटेज, कुछ चीजों को इंपोर्ट करने के अंदर मानो इंडिया को कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है तो उस चीज का इंपोर्ट उसको करना कायदे से तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो इंपोर्टर है वो उस चीज को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट भी क्यों कर रहा है, करना तो उसको भी नहीं चाहिए, कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है, लेकिन वो चीज का एक्सपोर्ट करने से उसको अपनी कंट्री में क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, कंसेशन मिल रहे हैं। तो इस चीज को काउंटरवेल करने के लिए, इस चीज को एक तरह से बराबर करने के लिए इंडिया वाले क्या कर देंगे, काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे ताकि उसका प्राइस क्या हो जाए, फिर से इक्वल हो जाए। इक्वल होगा तो उसका इंपोर्ट क्या होगा, डिस्करेज होगा, सीधी सी बात है, और वो चीज फिर उतनी इंपोर्ट नहीं करी जाएगी जितनी पहले करी जा रही थी, और वो ही इंडिया चाहता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज तो मुझे है नहीं, तो ये चीज का इंपोर्ट कम से कम किया जाए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि 2016 में इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया इंपोज 12.5% ऑफ सीवीडी ऑन द गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट्स फ्रॉम ASEAN। ASEAN क्या होता है? दिस इज द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का एसोसिएशन, इट्स अ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जैसे कि आपका ये थाईलैंड है, वियतनाम है, जो साउथ ईस्ट नेशन है ना, वो सारा का सारा जो उनका एसोसिएशन है उसको क्या बोला जाता है, ASEAN बोला जाता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है बेसिकली। ये सारे आते हैं आपके थाईलैंड, वियतनाम, ये इंडोनेशिया, ये सारा का सारा आपका किधर आता है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर आता है। ये जो एसोसिएशन है, एग्जाम्पल दिया है कि यहां से गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो उसको काउंटरवेल करने के लिए क्या कर दिया गया, 12.5% की सीवीडी लगा दी गई। और हमें लगता है अरे यार मंत्रालय में बैठकर खाली बातें ही करते हैं मंत्री, है ना, और तो क्या ही काम करते हैं। अरे बहुत काम होता है, बहुत 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 सारा काम है जो बैक स्टेज चलता रहता है, जो हमें पता भी नहीं है कितना काम करना पड़ता है। अभी कौन सी मूवी देखी थी यार, आर्टिकल, हाँ अभी जस्ट मूवी आई थी, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम क्या था उसका, हाँ एग्जैक्टली आर्टिकल 370 जो देखी थी अभी, उसके अंदर देखकर मुझे यही लगा कि किस तरह से गुपचुप के अंदर भी इतने काम हो जाते हैं जो पता भी नहीं चलता कि सरकार कर रही है, और हमें लगता है कि क्या ही कर रही है, पर बहुत कुछ कर रही है। एक सेकंड का टाइम नहीं है वहां पर बैठे किसी भी लोगों को, क्योंकि आप तो अपना काम देख रहे हो और लोगों को दिख भी रहा है, वहां जो हो रहा है वो किसी को दिख भी नहीं रहा है, और इतना ज्यादा काम बैक स्टेज चलता है। देखिए किसी ने पिक्चर 370 क्या है ये तो पता है क्या है, जम्मू कश्मीर का कोई आर्टिकल था मैम, पता नहीं क्या हट गया। और
और ये उसका हिस्सा है, मतलब ये उसका कॉन्सिक्वेंस था, हिस्सा भी नहीं, ये इसका कॉन्सिक्वेंस था। तो आर्टिकल 370 जब हम देखने बैठे तो बहुत सारे लोग गए थे एक्चुअली एक साथ देखने के लिए। तो कुछ लोग बोले ये अरे क्या मूवी है, ये कोई मूवी है, इसमें दिन ही नहीं हो रहा, खाली पूरी मूवी अंधेरे अंधेरे में ही चले जा रही है, क्योंकि उसमें प्रॉपर वो खाली आर्मी और यही सब दिखाते हैं बेसिकली। और जो ये इंडिया टाइप की मूवीज होती है इसमें आपको जनरली कोई मसाला नहीं मिलता ओके देखने के लिए बेसिकली। तो लेकिन जिसको पता था कि आर्टिकल 370 क्या है उसको तो वो पिक्चर समझ में आ गई, जिसको पता ही नहीं था कि आर्टिकल 370 था क्या, वो बोल रहा है कि मेरे को तो एक पॉइंट जितना भी समझ में नहीं आया कि इसमें कहां से चालू हुई मूवी और खत्म कहां हो गई और हुआ क्यों कर रहे हैं, हो क्या रहा है। तो इसीलिए बेसिक चीजों का, और यार कॉमर्स वाले बच्चों तुम तो, और इकोनॉमिक्स तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन, देश की चीजों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो किसी ने भी अगर ये मूवी नहीं देखी है तो मस्ट वॉच है, देखनी चाहिए, अपने लिए तो है ना यार, मतलब जिनको मतलब ही नहीं है पढ़ाई से या जिनको मतलब ही नहीं चीजों से उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपको तो, हाँ वो पूछ रहा है तेरे को मतलब है क्या, मेरे को तो नहीं है कुछ खास। हाँ हमें खाली देखनी है अजीब अजीब सी पिक्चर है ना, तेरी बातों में ऐसा उलझा जाए जिसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस मूवीज। कौन सी यार, दैट वाज अ हॉरिबल मूवी सीरियसली, प्लीज। अच्छी थी लेकिन वैसे बहुत डिस्टर्बिंग टाइप की थी, पता नहीं हटाओ। लेकिन ऐसे जो अच्छी अच्छी मूवीज आती है वो तो देखनी चाहिए तुम्हें, वो तो तुम देखते नहीं, जिससे कुछ नॉलेज मिलता है थोड़ा बहुत। हाँ किसका आने का, अच्छा थिएटर में भी लगी थी वैसे, बताओ तो देखो। क्या बात है, चलो चलो फटाफट इफेक्ट ऑफ टेरेस देखेंगे। बाय द वे शॉर्ट में बता देती हूँ, आर्टिकल 370 की बात ही छिड़ गई है तो आर्टिकल 370 क्या था। आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा आर्टिकल था जिसने जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर रखा था कि यार जो भी देश में नियम लागू होंगे वो तुम पर लागू नहीं होंगे, तुम्हारा अपना क्या होगा, हाँ अपने रूल्स चलेंगे, अपने रेगुलेशन चलेंगे, तुम्हारा स्पेशल स्टेटस है, मतलब एक तरह से तुम हिस्सा तो हो भारत का लेकिन फिर भी नहीं हो। इसीलिए तो वहां पर गवर्नमेंट का रूल्स चलता नहीं है, क्यों नहीं चलता था, क्योंकि वो एक स्पेशल स्टेटस के अंडर आता है ओके, ड्यू टू सम बहुत पहले बहुत चीजें हुई है पहले की सरकारों में उसके कारण। फिर फाइनली 370 को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया ओके। 370 को रिमूव करने की पावर भी नहीं थी गवर्नमेंट के पास, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ था ओके। जो पहले ना एक्चुअली जम्मू कश्मीर को ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेगुलेट करती थी ओके, फिर वो एक टाइम के बाद वो जो असेंबली थी वो ही क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई ना असेंबली की तरह। अभी तो फिर सारा इंडिया में क्या चलता है आपका, सेंटर और स्टेट का राज और ऐसा चलता है, तो वो असेंबली क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। और जो 370 को हटाने की ताकत रखती थी वो कौन रखती थी, असेंबली रखती थी, वो असेंबली क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो 370 हटाए कैसे और हटाए कौन, तो किस तरह से ढूंढ ढांड के कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में वो पावर कैसे आए कि 370 को रिमूव किया जाए, उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने हाथ में वो पावर लिया एकदम ऐसे, मतलब बहुत ही अच्छा दिखा रखा है उसमें कि किस तरह से वो पावर लिया गया, किस तरह से पहले की सरकार ने चीजों को छुपाया हुआ है, कितने रूल्स को छुपाया हुआ है, कितनी गलत चीजें दिखाई हुई है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्लॉजेस को डिलीट करा हुआ है, उस क्लॉज को ढूंढा, ढूंढने के बाद फिर वो आर्टिकल हटाया, और आर्टिकल हटाने के बाद कहीं जाकर फिर जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर भी सारे वही रूल्स लागू होते हैं जो इंडिया के बाकी सब जगह लागू होते हैं। और वो आर्टिकल हटने के बाद आप उसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में ड्रास्टिकली जो ये केसेस होते हैं ना, जैसे ये पत्थरबाजी जो बहुत हुआ करती थी, जो वायलेंट केसेस होते थे, ये एकदम नियर टू जीरो हो गए। क्यों, क्योंकि वहां पे सरकार का रूल ही नहीं था ना, तो सरकार कंट्रोल करती कैसे, 370 था जब तक, 370 हटते ही किसका कंट्रोल आ गया, गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया, गवर्नमेंट का आ गया तो जैसे बाकी देशों बाकी स्टेट्स में शांति है वैसे वहां पर भी डेफिनेटली होगी ही होगी। तो इस तरह से बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी चीजें दिखाई गई है, बहुत डिटेल में बातें बताई गई है उसके अंदर, देखनी चाहिए, कुछ अच्छा करो जिंदगी में, अच्छी चीज देखो। खैर ओके बस देखो भाई, दो तरह की पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की। पहली आपने पढ़ी टैरिफ, टैरिफ को यूज करके, रेट्स को यूज करके, टैक्सेस को यूज करके। टैरिफ जो होता है ना वो डायरेक्टली विजिबल होता है, 12% ड्यूटी लगा दी, सबको दिख रही है लगा दी, वो साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती है। कुछ ऐसी पॉलिसीज होती है जो नॉन टैरिफ होती है, जो इनडायरेक्ट होती है लेकिन गवर्नमेंट उनको यूज करके क्या करती है, इंपोर्ट को कंट्रोल करती है, वो आप नॉन टैरिफ में पढ़ोगे। उससे पहले एक बार फटाफट आप इस पर खाली नजर डाल सकते हो कि टैरिफ्स का इफेक्ट क्या होता है।
ऑब्वियस बात है, टैरिफ लगाने से ऑब्स्टेकल्स पैदा होते हैं किसके अंदर, ट्रेड के अंदर, जिससे कि इंपोर्ट का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कितनी बातें कर रहे हैं आप, इंपोर्ट का वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होगा, इंपोर्टेड गुड एक्सपेंसिव हो जाएंगे और डोमेस्टिक कंज्यूमर को इंपोर्टेड गुड्स कंज्यूम करने का क्या होगा बेटा, डिस्करेजमेंट मिलेगा, वो नहीं करना चाहेंगे। टैरिफ इनकरेजेस द कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन द वेल बींग एज अ रिजल्ट ऑफ इंपोजिशन ऑफ टैरिफ। में बाहर निकाल दूंगी अब बातों के वजह से। तो द प्राइस इंक्रीज ऑल्सो इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन द आउटपुट ऑफ एक्जिस्टिंग फर्म। ऑब्वियसली बात है बेटा, अगर टैरिफ बढ़ेगा इंपोर्ट और ज्यादा क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या होगी, फ्लोरिश होगी, ज्यादा चीजें बनाएंगी, आउटपुट यहां से ज्यादा निकल कर आएगा। टैरिफ क्रिएट ट्रेड डिस्टॉर्शंस बाय डिसरिगार्डिंग कंपैरेटिव एडवांटेज एंड प्रिवेंट कंट्री फ्रॉम एंजॉयिंग गेन्स फ्रॉम ट्रेड अराइजिंग फ्रॉम कंपैरेटिव एडवांटेज। एक ये एक नेगेटिव इफेक्ट बताया, बाकी सब तो अच्छा बताया है कि कभी कभी क्या होता है, टैरिफ लगाने से दो देशों के बीच में जो ट्रेड होता है वो कम होता है, इसलिए कभी कभी कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं मिल पाता। टैरिफ इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू, यार कोई सा भी टैक्स लगा दो, कोई सी भी ड्यूटी लगा दो, कोई सी भी टैरिफ लगा दो, उसका पहला इंपैक्ट क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होता है, रेवेन्यू इकट्ठा होता है। फिर आज आपको पढ़ना है बेसिकली नॉन टैरिफ मेजर NTM। कौन पढ़ेगा, समझो ना, पढ़ना, चुप हो जाओ। कन्वेंशनल टैरिफ बैरियर्स कंस्टिट्यूट द, मैंने अभी आपको यही बोला, जो फ्री ट्रेडिंग है, फ्री ट्रेडिंग जो कर रही है उसको इंटरफेयर करने के अंदर गवर्नमेंट एक तो विजिबल स्टैंडर्ड्स लेकर आती है जैसे कि टैरिफ, और एक इनविजिबल स्टैंडर्ड जो है पर किसी को नजर ही नहीं आ रहे, दैट इज द नॉन टैरिफ मेजर्स। ओके आगे, देखो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है नॉन टैरिफ मेजर्स और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। इन दोनों में फर्क है, क्या फर्क है देखो, NTMs सर्कमवेंट इन दिस केस दे आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स। देखो नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर सारी पॉलिसीज आती है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट को रेगुलेट करने के अंदर क्या करती है, लगाती है, पर उनमें से सारी पॉलिसीज बैरियर नहीं होती, मतलब वो सारी पॉलिसीज रुकावट पैदा करने के लिए लगाई नहीं जाती, लेकिन इनमें से कुछ पॉलिसी सच में ट्रेड की रुकावट पैदा करने के लिए लगाई जाती है, खाली उनको ही क्या बोला जाता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स बोला जाता है, बाकी सब क्या है, नॉन टैरिफ मेजर्स है, खाली कंट्रोल करना है उनको, बैरियर क्रिएट नहीं करना। तो दोनों तरह की चीजें होती है, आपको यहाँ पे सारे NTMs बताए जाएंगे, खाली बैरियर वाले नहीं, आपके जितने भी मेजर्स हैं वो सब बताए जाएंगे, किस तरह से इनविजिबल तरीके से गवर्नमेंट इंपोर्ट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जैसे पहले होते हैं टेक्निकल मेजर, एक सेकंड ये मैं पढ़ती हूँ, टेक्निकल मेजर, और दूसरा है नॉन टेक्निकल मेजर। टेक्निकल मेजर आपको सारा नीचे दिया गया, डोंट वरी, ठीक है। देखो टेक्निकल मेजर में क्या होता है, टेक्निकल मेजर के अंदर ना कभी कभी गवर्नमेंट अलग अलग टाइप की पॉलिसीज लाती है, कि अगर आप मानो कि ठीक है, अगर आप लोग कोई पोल्ट्री फार्मिंग की कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसी कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते जहां पर फ्लू फैला हुआ है, बहुत डायरेक्ट चीज है, ठीक है, ये नॉन टेक्निकल मेजर है। कोई प्राइस पर रेगुलेशन किया क्या, कोई टैक्स लगाया क्या, कोई टैरिफ लगाया क्या, कोई ड्यूटी लगाई क्या, नहीं, पर इंपोर्ट कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, कंट्रोल कर रही है ना वो। और भी जैसे अगर आपको फलाना चीज इंपोर्ट करनी है, एक इलेक्ट्रिकल आइटम है, अगर आपको ये चीज इंपोर्ट करनी है तो इसका साइज ये होना चाहिए, इसका शेप ये होना चाहिए, या फिर इसमें जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो ये चीजें होनी चाहिए। तो इस तरह से भी कंट्रोल किए जाते हैं इंपोर्ट्स को, खाली ड्यूटीज लगाकर कंट्रोल नहीं होता, ये सब टेक्निकल मेजर्स होते हैं। और एक होता है नॉन टेक्निकल मेजर, जैसे कि भाई क्वालिटी कंट्रोल करना, एंटी डंपिंग देखना या अदर अदर चीजें देखना। अब आपको सारे के सारे बताएंगे ये लोग कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के अंदर क्या क्या आता है, किस तरह से टेक्निकल मेजर्स को यूज करके इंपोर्ट कंट्रोल किया जाता है। पहला है SPS मेजर, SPS का मतलब है सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स, जिसके नाम होता है SPS मेजर्स आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एनिमल और प्लांट लाइफ from risk arising from additives, pests, contaminants, toxins or disease causing organism and to protect the biodiversity. सीधी बात है।
आपके जितने भी ये बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनके इंपोर्ट को कंट्रोल करने के अंदर बहुत बड़ा, इंपोर्ट करने के अंदर बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क किस किस चीज पर है? एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ। ओके, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज लगाई जाती है उसे एसपीएस मेजर्स बोला जाता है। जैसे कि दिस इंक्लूड बैन और प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, ऑल मेजर्स गवर्निंग क्वालिटी एंड हाइजीनिक रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेसेस, एसोसिएटेड कंप्लायंस असेसमेंट। फॉर एग्जांपल, प्रोहिबिशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ पोल्ट्री फ्रॉम कंट्रीज अफेक्टिंग एवियन फ्लू, मीट, पोल्ट्री प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स टू रिड्यूस द पैथोजेंस, रेसिड्यू लिमिट्स फॉर पेस्टिसाइड्स इन फूड एक्सेट्रा। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग होता है, होता है कि नहीं होता है? कितने सारे ऐसे फूड और चीजें होती है जिसके अंदर पेस्टिसाइड का क्या होता है, यूज होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा देती है, इससे ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज अगर किसी चीज में हुआ हुआ है तो वो अपन इंपोर्ट नहीं कर सकते। क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। मैंने कोई ड्यूटी नहीं लगाई, मैंने कोई प्राइस नहीं बढ़ाई उस चीज की, लेकिन मैंने टेक्निकल मेजर लगा दिया। क्यों? क्योंकि बेटा अगर उस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड किसी भी चीज में होगा तो वो मेरे देश की ह्यूमन कैपिटल के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। हेल्थ के लिए क्या होगा? बुरा होगा। तो जैसे ह्यूमन हेल्थ को रेगुलेट कर, ह्यूमन हेल्थ को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, या फिर आपकी जो ये एनिमल लाइफ है या आपकी प्लांट लाइफ है, बेसिकली ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना अपनी, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको एडवांटेज देने के लिए, या इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इन चीजों को रोकने के लिए जो भी ड्यूटी, सॉरी, जो भी मेजर्स अपनाए जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? एसपीएस मेजर्स बोला जाता है। ठीक है, और क्या है? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये पढ़ो। मैंने जो दोनों एग्जाम्पल दिए थे ना, वो दोनों एक्चुअली इन दोनों में कवर होते हैं। पहला है एसपीएस मेजर और दूसरा है टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। पहले वाले में मैं क्या करना चाह रही हूँ बेटा, मैं मेरे यहाँ की जो ह्यूमन लाइफ है, प्लांट लाइफ है और एनिमल लाइफ है, उसको कम से कम नुकसान पहुंचवाना चाह रही हूँ, या मैं चाहती हूँ उनको ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज हो। इसीलिए जो चीजें उनको हार्म कर सकती है उसके इंपोर्ट पर मुझे क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो मैं बहुत सारे मेजर्स लेके आती हूँ, जैसे कि अगर आपकी कंट्री में फ्लू फैला हुआ है तो अब इस कंट्री से एक बार को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे जो पोल्ट्री फार्मिंग वाली चीजें होती है, क्योंकि समझो कहीं एनिमल फ्लू फैला हुआ है, ओके, और वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा किसको? पोल्ट्री वाली चीजों को, और वो आप वहां से इंपोर्ट करोगे तो वो फ्लू आपके देश में आने के डेफिनेटली क्या है? चांसेस है ही है। तो वहां का इंपोर्ट एक बार क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, ये सब एसपीएस मेजर्स हैं, पेस्टिसाइड का इन्होंने बोला। जैसे अगर मैं ह्यूमन लाइफ का और एग्जांपल अगर लेती हूं, तो बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स भी क्या होते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा तय किए हुए होते हैं कि अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स है तो आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर इस चीज के अंदर इंग्रेडिएंट में इस चीज की मात्रा ज्यादा है तो भी आप इसको इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये सब खाली खाली आपकी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ को बचाने के लिए ही सारे काम किए जाते हैं। कोई ड्यूटी तो नहीं लगाई जा रही, लेकिन चीजों को क्या कर दिया जाए? टेक्निकल कर दिया गया है कि भाई इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। फिर होता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ये किन चीजों पर आता है? बाकी आइटम्स पर। जैसे मैंने आपको बोला था ना, किसी चीज की शेप को आइडेंटिफाई कर देना, यार इस शेप में ही आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो, इस साइज में ही आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो, इस तरह के कंपोनेंट्स इसमें होंगे तो ही आप इसको क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो। ये क्या है? आपका टीबीटी है, पढ़ो। फूड एंड नॉन फूड, हाँ, एक्चुअली जो सैनिटरी वाला है उसमें मेजरली फूड आइटम्स वगैरह ज्यादा कवर किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमें डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारा, चाहे एनिमल लाइफ हो, प्लांट लाइफ हो या ह्यूमन लाइफ हो। इसके अंदर फूड और नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट दोनों आते हैं। भाई जिस देश के साथ मैंने कोई एसपीएस अग्रीमेंट कर रखा है वो तो अलग है, उस एसपीएस के अलावा भी, मैं बाकी प्रोडक्ट्स पर क्या लगा सकती हूँ? टीबीटी लगा सकती हूँ। ठीक है, टेक्निकल ट्रेड बैरियर्स बेसिकली लगा सकती हूँ। तो टीबीटी के अंदर मैं क्या बोलूंगी कि अगर आपको ये प्रोडक्ट मेरी कंट्री को बेचना है, या मैं मेरे वाले बंदे को बोलूंगी कि अगर तेरे को उस कंट्री से ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करके अपने देश में बेचना है तो तेरे को ये सारी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। आप इस शेप में मंगाओ, इस साइज में मंगाओ, इस क्वालिटी में मंगाओ, इस तरह के कंपोनेंट्स को यूज करके मंगाओ, ये सारी चीजें आपको इस पैकेजिंग में, इस लेबलिंग में, इनफैक्ट लेबलिंग और पैकेजिंग भी कंट्रोल किया जा सकता है। और ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट कैसे चेक करेगी कि जो मैंने बोला है वैसे ही प्रोडक्ट इंपोर्ट हुआ है? वो एक कमिटी बिठा देगी, है ना, वो एक ग्रुप बना देगी जो क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा और टेस्टिंग करेगा। इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशन,
are also covered by TBT. This involves compulsory quality, compulsory quantity, compulsory price control of goods before shipment from the exporting country. चीज यूएसए से एक्सपोर्ट होने से पहले ही क्या कर दी जाएगी, हमारे द्वारा चेक कर दी जाएगी कि हमारे यहाँ पर आने लायक तो है या फिर नहीं है. अगर जो मैनुअल मैंने सेट करके दिया है उस मैनुअल पे वो नहीं खरी उतरी तो मैं वहां से उसको एक्सपोर्ट ही नहीं होने दूंगी मेरी कंट्री की तरफ. तो एक यूनिट सेट कर दी जाती है जो इंस्पेक्शन करती है, टेस्टिंग करती है गुड्स का, गवर्नमेंट ने जो भी TBT सेट कर रखे हैं वो उसको अधर करती है या फिर नहीं करती, वो उसको मान्य करती है या फिर नहीं करती, वो उसको कंप्लीट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, उस चीज को चेक करने के लिए. फिर आता है नॉन टेक्निकल मेजर्स. ये सब तो देखो आप नोटिस करो, ये जो अभी आपने पढ़ा चाहे TBT हो, चाहे आपका TBT हो या फिर आपका SPS हो, ये सब टेक्निकलिटी पर है ना. जो भी गुड्स जो भी सर्विसेज हैं उसकी टेक्निकल चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है. अब नॉन टेक्निकल में क्या होता है, दीज इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड प्रोटेक्टिव मेजर दैट आर पुट इनटू ऑपरेशन टू न्यूट्रलाइज द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंपोर्ट इन द मार्केट ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री. जैसे कि इंपोर्ट कोटा, पर्टिकुलरली नॉन टेक्निकल मेजर्स के अंदर चीज कैसी बनी है उस पर ध्यान दिया नहीं जाता. नॉन टेक्निकल मेजर में मैं मेरी देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को क्या करना चाहती हूँ, प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ. और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला मेजर है मेरे पास इंपोर्ट कोटा. इंपोर्ट कोटा क्या होता है, यस, एक साल में मानो कि कोई चीज है, मानो गोल्ड है, गोल्ड तो वैसे जनरली होता नहीं है लेकिन मानो इस इन्होंने फिश का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एक साल में तुम 1000 टन से ज्यादा फिश इंपोर्ट नहीं कर सकते. क्या लगा दिया, कोटा लगा दिया. हाँ साल में अप्रैल में कर लो, मई में कर लो, जून में कर लो, जुलाई में कर लो, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक साल में तुम 1000 टन से ज्यादा फिश इंपोर्ट नहीं कर सकते. इंपोर्ट पर क्या लगा दिया, कोटा लगा दिया. तुम्हें लाइसेंस दे दिया मैंने कि भाई तू कर ले इंपोर्ट फिश, तेरे पास लाइसेंस दे रही हूं, लेकिन 1000 टन से ज्यादा इंपोर्ट होना नहीं चाहिए एक साल के अंदर. ये क्या कर दिया मैंने, इंपोर्ट कोटा लगा दिया, क्योंकि देश में जो कंजम्पशन है ना वो डेफिनेटली 1000 टन से क्या है, कम है कि ज्यादा है, ज्यादा ही है, अरे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मैंने इंपोर्ट पर क्या लगा दिया, कोटा लगा दिया, ताकि अगर 2000 का कंजम्पशन है, 1000 मैंने इंपोर्ट कोटा लगा दिया तो 1000 तो लोगों को डोमेस्टिकली ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है. मेरी इंडस्ट्री क्या हो गई, कहीं ना कहीं देखो वही बात है मैम, आप बोल दो कि सब डोमेस्टिकली खरीदो, आप इंपोर्ट ही बंद कर दो, इंपोर्ट बैन कर दो, इंपोर्ट बंद कर दो. नहीं, अपन किसी भी चीज को बंद नहीं कर सकते, चीज को कम या ज्यादा किया जा सकता है. बैन करना किसी भी चीज को बहुत बड़ी बात होती है, कि मैं उस देश से चीज आने ही नहीं दे रही. जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपको पता है ना, चाइना से कुछ चीजों को क्या कर दिया गया था, हाँ, क्योंकि जो अपने रिलेशन थे उनके साथ वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, एक्सट्रीम एडवर्स हो गए थे किसी टाइम पर. तो ऐसी कंडीशंस के अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, ओके. अगर आप नॉर्मल में ऐसे स्टेप्स लेने लग गए तो फिर सबसे अपना क्या हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे, सीधी बात है, और अपने को ऐसा काम करना नहीं है. तो इसीलिए आप किसी भी चीज को बंद नहीं कर सकते. बंद करना तो मतलब आपने अपने देश के दरवाजे क्या कर लिए, हाँ, बंद कर लिए. ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब, जब फ्री ट्रेड करने नहीं दे रहे तुम लोगों को, तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है, अल्टीमेटली आपकी जो मेन पॉलिसी जिसपे आपकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है LPG, वो क्या हो गई, खराब, खत्म. ऐसा नहीं कर सकते अपन, बहुत ज्यादा कुछ देखना पड़ता है. अगर आप एक पॉलिसी भी निकालते हो ना, अगर आप टैक्स को 10 से बढ़ा के 11% भी करते हो ना, लोग खा जाते हैं आपको. बहुत कुछ देखना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि सरकार का मन हुआ उसने बढ़ा के बजट में बोल दिया, हाँ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि भाई आज से रेट कितनी हो गई, 11% हो गई. उस 1% के पीछे जो उसको सुनना पड़ता है ना, शायद अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते. तो बहुत कुछ सोच कर डिसीजन लिए जाते हैं, ओके. कितनी बातें करो तुम आज इधर, हाँ ऐसे क्या देखते ऐसे मैम, हम, ओ माय गॉड, हम तो कभी जिंदगी में बात ही नहीं करते हैं. हाँ इतना सीरियस फेस बना के मत बोलो मुझे कि ना, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, तू रहने दे, फालतू बात मत कर. हाँ ये तो झूठ भी हम इतनी ताकत से बोलेंगे, ठीक है. हाँ लड़ लो प्लीज. एक्चुअली आप अगर गुपचुप गुनगुन गुनगुन भी करते हो ना, तो उससे क्या होता है, यहाँ तक आवाज तो जाएगी क्योंकि सब बच्चे साइलेंट है, ओके. तो अगर एक बच्चा भी बोलेगा तो फिर वो पूरी क्लास में प्रॉब्लम होती है. तो प्लीज ऐसा मत करो, जब मैं कह रही हूँ तब मत बोलो, जैसे मैं चुप हो जाऊँ जोर जोर से बोलना, ठीक है, ओके. हाँ देखो, हाँ ठीक है, चलो भाई इम्पोर्ट कोटास पढ़ते हैं क्या होता है, पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ. एंड इम्पोर्ट कोटा इज अ डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन विच स्पेसिफाइज दैट, देखो ध्यान से समझ लेना, पढ़ते पढ़ते मैं समझा चुकी हूँ, अब लिखा हुआ क्या है ये तुमको खुद को समझना है. देखो, डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शन वेयर स्पेसिफाइज दैट ओनली अ सर्टेन फिजिकल अमाउंट ऑफ गुड विल बी अलाउड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम
पीरियड जनरली एक साल के लिए ये कोटा सेट किया जाता है. इम्पोर्ट कोटास आर टिपिकली सेट बिलो द फ्री ट्रेड लेवल ऑफ इम्पोर्ट्स एंड आर यूजुअली एनफोर्स्ड बाय इशूइंग लाइसेंसेस. फ्री ट्रेड लेवल क्या होता है बेसिकली, गवर्नमेंट ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती, इसी लेवल को क्या बोला जाता है, फ्री ट्रेड लेवल बोला जाता है. लेकिन जब इम्पोर्ट कोटा लगाया जाता है ना, तो एक तरह से फ्री ट्रेड लेवल को क्या करा जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है. तो जनरली क्या बोला हुआ है कि जो भी ये इम्पोर्ट कोटा होते हैं आपके फ्री ट्रेड लेवल से नीचे सेट किए जाते हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस ही बात है कि जो फ्री ट्रेड लेवल है वो करवाना नहीं चाहती गवर्नमेंट, तभी तो क्या कर रही है, कोटा सेट कर रही है, तो उसे नीचे पे ये सेट करे जाते हैं. दिस इज रेफर टू एज बाइंडिंग कोटा. अ नॉन बाइंडिंग कोटा इज अ कोटा दैट इज सेट अबव द लेवल ऑफ इम्पोर्ट, दस इफेक्टिंग लिटिल इफेक्ट ऑन द ट्रेड. अगर जो आपका फ्री ट्रेड लेवल है, मतलब जो जनरल ट्रेडिंग होती है उस चीज की, इम्पोर्ट की और एक्सपोर्ट की, उससे ऊपर अगर मैं, अगर वो बोल रहे हैं कि यार मुझे 1200 टन इम्पोर्ट करना है, मैंने कहा तू ज्यादा से ज्यादा 1300 कर सकता है बस, ठीक है यार जो तो 1200 ही करना था, कोई बात नहीं 1300 कर सकते हैं, तो उससे ट्रेड पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मैं कहती हूँ 1200 करना है पर तू कर कितना सकता है, 1000 ही सकता है, उससे मेरी ट्रेड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को बाइंडिंग कोटास बोला जाता है. पढ़ो ना प्लीज आगे का, कौन पढ़ेगा, जोर से पढ़ना. इम्पोर्ट कोटास आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. हाँ नीचे वाले थे. टैरिफ रेट कोटास तो हम पढ़ के आ चुके है ना, पढ़ो. सीधी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि तुम फलाना कंट्री से इंपोर्ट मत करो, कंट्री ऑफ ओरिजिन पर मेरी कोई भी कंडीशन अटैच है क्या, नहीं है. कंट्री ऑफ ओरिजिन से मुझे कोई भी मतलब नहीं है, मैं खाली जो चीज आ रही है ना, चाहे कहीं से भी आ रहे हो, पूरे साल में कभी भी आ रही हो, बस इतनी ही आनी चाहिए, ये मैं कहना इसके अंदर चाहती हूँ. सीधी सी बात है, इंपोर्ट कोटा क्या लगाया हुआ है, 1000 टन फिश इंपोर्ट कर सकते हो साल में कभी भी और किसी भी कंट्री से. कोटास एंड टेम्पररी कोटास, देखो बहुत सारे तरह के उन्होंने एग्जांपल दे दिए यहाँ पे. कोटा का सीधा सा मतलब क्या है कि मैंने क्वांटिटी सेट कर दी, इससे ऊपर इंपोर्ट नहीं हो सकता. दूसरे तरह के कोटा होते हैं, पहला कोटा क्या है, जिसमें खाली क्वांटिटी सेट करिए, कर तुम कहीं से भी सकते हो, ओके कर कहीं से भी सकते हो. दूसरे टाइप के कोटास कौन से होते हैं, 1000 टन ही इम्पोर्ट कर सकते हो, उसमें से भी 750 टन फलाना कंट्री से ही इम्पोर्ट करना पड़ेगा और बाकी का तुम बी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो. इस तरह के भी कोटा सेट किए जाते हैं, ठीक है, तो अलग अलग काइंड ऑफ इंपोर्ट कोटास होते हैं. और पढ़ो. यार ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट को इससे क्या रेवेन्यू मिल रहा है, टैरिफ थोड़ी लगा रही है, टैक्स लगा रही है, ड्यूटी लगा रही है, कुछ तो नहीं कर रही, इससे उसको कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फायदा तो है. और जब भी इंपोर्ट कोटास लगाए जाते हैं ना, उसमें लाइसेंस जरूर दिए जाते हैं कि यार फलाना आदमी को मैंने क्या दे दिया, लाइसेंस दे दिया कि तू फिश इंपोर्ट कर सकता है 1000 टन, ठीक है, तुमको क्या मिल गया, उस चीज का लाइसेंस मिल गया. अब वो 1000 टन इंपोर्ट करके तुम जो भी प्रॉफिट कमाओगे उसको क्या बोला जाएगा, कोटा रेंट बोला जाएगा. इसको हाईलाइट करो, कोटा रेंट वाली पॉइंट को. द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय द होल्डर ऑफ सच इंपोर्ट लाइसेंस आर नोन एज द कोटा रेंट. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था है ना, कि टैरिफ वाले जो बैरियर्स होते हैं वो डायरेक्टली प्राइस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन टैरिफ वाले हैं ना, ये प्राइस को इंपैक्ट नहीं करते, ये खाली क्वांटिटी इंपैक्ट करे एक तरह से. क्यों 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 क्यों, इंपोर्ट कोटा लगाने से उस इंपोर्टेड गुड की प्राइस वैसे इनडायरेक्टली रेज क्यों हो जाएगी, हालांकि गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है, गवर्नमेंट तो कुछ चार्ज नहीं कर रही, लेकिन ऑटोमेटिक रेज होगी, उसकी डिमांड क्या हो गई,
उसकी सप्लाई क्या हो गई, लिमिट हो गई, लिमिट हो गई ना, उसकी सप्लाई क्या हो गई इंपोर्टेड गुड्स की, लिमिट हो गई, तो डेफिनेटली मेरा प्राइस कर्व हटेगा, हिलेगा ही हिलेगा उससे। रेंट प्रॉफिट को यहाँ क्या बोला गया है, आप नोटिस करो, रेंट बोला गया है यार, 100 की चीज इंपोर्ट करके मैंने 120 में मेरे डोमेस्टिकली बेच रही हूँ, 20 रुपए का मुझे क्या मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्राइस कंट्रोल मेजर। प्राइस कंट्रोल मेजर आर द स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट विद द इंपोर्ट प्राइस ऑफ दीज गुड्स आर लोअर। दीज आर ऑल्सो नोन एज पैरा टेरिफ मेजर्स एंड इंक्लूड मेजर्स अदर देन द टेरिफ मेजर दैट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट इन अ सिमिलर मैनर। फॉर एग्जाम्पल बाय फिक्सिंग अ परसेंटेज और बाय अ फिक्स्ड अमाउंट, एग्जाम्पल अ मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस एस्टैब्लिश्ड फॉर द सल्फर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये भी एक तरह से टेरिफ टाइप का ही मेजर है जहाँ पे प्राइस को क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई ड्यूटीज लगाई नहीं जा रही, कोई टैक्सेस लगाए नहीं जा रहे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ना एक एमएसपी मिनिमम प्राइस लेवल सेट कर दिया बेसिकली किसका, सल्फर का। अगर तू सल्फर इंपोर्ट करेगा तो तेको कम से कम इतना प्राइस का इंपोर्ट करना है ताकि उससे लोअर में सामने वाला नहीं बेच पाए और अपन नहीं खरीद पाए और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज क्या होती रहे, बचती रहे। क्या मैंने कोई ड्यूटी लगाई, हाँ, या मैंने कोई किसी भी तरह की काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई इस पर, नहीं लगाई। खाली मैंने क्या कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया कि यार ये मिनिमम प्राइस लेवल है, इससे नीचे प्राइस में तुम इंपोर्ट नहीं कर सकते। Discretionary. यहाँ पे basically prohibitions लगाए जा रहे हैं या non automatic licensing है। non automatic licensing का मतलब क्या बोला है यहाँ पे कि अगर आपको imported goods की quantity कम करनी है तो कहीं ना कहीं आप उस पर क्या लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो। आप ये नहीं बोल रहे कि particularly ये चीज इतनी इंपोर्ट इस कंट्री से होनी चाहिए, लेकिन आप ओवरऑल उस चीज पर क्या लगा रहे हो, लिमिट लगा रहे हो। और प्रोहिबिशंस क्या होते हैं, आपने चीज को बैन ही कर दिया, करते हैं कभी कभी बैन भी करते हैं। जैसे इन्होंने कितना सा एग्जांपल लिया है यहाँ पे, इंडिया ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स, आर्म्स का मतलब क्या होता है, जो हथियार होते हैं ना, आर्म्स एंड एम्युनिशन जो हथियार है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट इराक के साथ क्या कर रखा है, प्रोहिबिट, बैन, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के प्रोहिबिशंस भी लगाए जाते हैं। फिर यहाँ पे और भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फर्दर इंडिया ऑल्सो प्रोहिबिट्स मेनी आइटम फॉलिंग अंडर 60 एग्जिम कोड्स। एग्जिम का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो इन्होंने कोड बना रखा है 60 एग्जिम कोड्स के नाम से, उसमें जो भी आइटम्स है उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, बैन। फाइनेंशियल मेजर्स, देखो फाइनेंशियल मेजर में क्या होता है, फाइनेंशियल मेजर में ऐसा होता है कि अगर आपको ये चीज इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है तो आपको उसका एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, इतना इतना पैसा करना ही पड़ेगा। इस तरह के फाइनेंशियल मेजर्स लेके उस चीज को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मतलब कोई ड्यूटीज वंस अगेन नहीं लगाई जा रही, लेकिन जो पेमेंट के टर्म्स है ना वो क्या करे जा रहे, सेट करे जा रहे हैं। जब आप पेमेंट के टर्म सेट करते हो तो फ्री ट्रेडिंग उतनी हद तक नहीं हो पाती, क्योंकि पेमेंट के ही टर्म क्या कर दिए गए हैं, रेगुलेट कर दिए गए हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल मेजर। उसके बाद आता है मेजर्स अफेक्टिंग द कंपटीशन। दीज मेजर्स आर एम्ड एट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव और स्पेशल प्रेफरेंसेस और प्रिविलेजेस टू वन और फ्यू लिमिटेड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर। इट मे बी इंक्लूड गवर्नमेंट इंपोज स्पेशल इंपोर्ट चैनल्स और एंटरप्राइज एंड कंपलसरी यूज ऑफ नेशनल सर्विसेज। जैसे कि अ स्टैट्यूटरी मार्केटिंग बोर्ड मे बी ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट ऑफ टू इंपोर्ट द व्हीट और चैनलाइजिंग द एजेंसी मे बी गिवन। देखो कभी कभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर आपको वीट इंपोर्ट करना है आपको हमारे ही गवर्नमेंट चैनल के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरह का मेजर है, नॉन टैरिफ है, कोई ड्यूटी नहीं लगा रही, लेकिन क्या सेट कर दिया इसने, मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन,
कि भाई वो इस पर्टिकुलर चीज में किसी भी तरह का कंपटीशन क्रिएट करना नहीं चाह रही, तो कभी कभी चीजों को खुद के हाथ में भी लेती है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है कि एक बोर्ड एस्टैब्लिश कर दिया जिसके पास एक्सक्लूसिव राइट है किसको इंपोर्ट करने के, वीट को इंपोर्ट करने के। ऐसे ही जरूरी नहीं है खाली खुद के गवर्नमेंट के लोगों को ही राइट दिया जाए, कभी कभी जो बड़े बड़े इकोनॉमिक ऑपरेटर्स होते हैं ना उनको भी राइट्स दिए जाते हैं कि यार इस चीज को इंपोर्ट करने का राइट सिर्फ किसका है, तेरा है और किसी का भी नहीं है। तो इस तरह के मेजर्स भी अपनाए जाते हैं। तो आप बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बेसिकली होते हैं, जैसे इन्होंने एक सेकेंड, आप एक और भी कर सकते हो, ये भी अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि द कैनलाइजिंग एजेंसी, जैसे कि स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन मे बी गिवन मोनोपोली राइट टू डिस्ट्रीब्यूट द पाम ऑयल। डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स भी क्या कर दिए गए, एकदम कंट्रोल कर लिए गए। पाम ऑयल अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो सिर्फ ये ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। ओके, आज अपन इतना ही करेंगे, बाकी का अपन कल करेंगे।